नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपको 8x1 नंबर की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से 3D में एस लेटर बनाना सिखाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी 8x1 नंबर लिख लिया है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा छोटा किया, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। इसी तरह आप जैसे हमने यहाँ पे बनाया, इसी तरह सेम आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, नीचे के साइड में एक छोटा सा हाफ सर्किल आप यहाँ पे बना देंगे। फिर इसके बाद ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा इससे बड़ा हाफ सर्किल बनाइएगा, ये हो जाएगा। फिर इधर भी आपको एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाना होगा, एक हाफ सर्किल यहाँ पे बना दीजिए। फिर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाना होगा, ये हो जाएगा। ऊपर के साइड में भी एक हाफ सर्किल आप यहाँ पे ऐसे बना देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको इधर भी इस साइड हाफ सर्किल बनाना होगा, यहाँ पे ऐसे बनाइए छोटा सा। फिर यहाँ तक तो हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से पहले वाले 1 नंबर से एक हाफ सर्किल बनाते हुए इधर आप ऐसे मिला दीजिएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा और इसको डबल करना होगा। यहाँ पे ऐसे ले जाइए और इधर हम लाकर ऐसे मिला देंगे। इसको पूरा यहाँ तक मिलाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे डार्क कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इधर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करिए और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाइए। एक लाइन और बढ़ाइएगा, फिर इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ से ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हुए इस साइड वाले इसको डबल करिएगा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे हम और इसको यहाँ पर ऐसे लाकर मिला दीजिएगा। अब आपको इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो, लेकिन थोड़ा सा तिरछी लाइन ड्रॉ करिएगा। फिर नीचे के साइड में इसको भी आप ऐसे डबल कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से ऐसे ले जाइए, ये हो जाएगा, और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर इस हाफ सर्किल के साथ यहाँ पर लाकर मिला दीजिएगा। एक छोटी सी लाइन इधर यहाँ से ड्रॉ करना, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए। फिर इसके बाद दोस्तों, नीचे वाले हिस्से को यहाँ से आप डबल करिए और आगे की तरफ ले जाइएगा। इधर भी ऐसे डबल करिएगा, इधर से डबल करते हुए यहाँ पर लाकर आप ऐसे इस लाइन को मिला छोड़ दीजिएगा यहाँ तक। फिर इधर से देखिएगा, ये वाला सिरा आपका यहाँ पे आके मिलना चाहिए। इसी तरह आप इधर भी ऐसे ले जाइए, एक लाइन ड्रॉ करते हुए इधर लाकर आप ऐसे मिला दीजिएगा। और इधर ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे ऐसे डबल करिए और इसको डबल करते हुए एक लाइन यहाँ पे ऐसे बढ़ाइएगा, उस लाइन को यहाँ पे लाकर मिला दीजिएगा। तो ये हमारा 3D में एस लेटर बनके तैयार हो गया दोस्तों। अभी हम इसको जब ब्लैक कर देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा।